वहीं राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए शाला दर्पण की तरह ही हेल्थ दर्पण बनाया जाएगा। इससे समूची व्यवस्था पारदर्शी रहेगी। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए काम भी कर रहा है ताकि जल्द ही पूरे प्रदेश में इस ऐप को लागू करने की कार्रवाई की जाएगी। राज्य में कहां पर कितने डॉक्टर हैं, कितने पद हैं, उन पर कौन कौन नियुक्त है, ये सारी जानकारी हेल्थ दर्पण ऐप पर होगी। इस ऐप पर एट अ ग्लांस पूरी जानकारी एक क्लिक पर मौजूद रहेगी ताकि खुद स्वास्थ्य विभाग को अपने विभाग की हर जानकारी मिल सके। बड़े अस्पतालों से लेकर सीएचसी पीएचसी हर जगह उपलब्ध स्टाफ की जानकारी हेल्थ दर्पण ऐप पर मिल सकेगी। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि हेल्थ दर्पण का ऐप जारी होने से लोगों को प्रत्येक अस्पताल की समुचित जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। इस ऐप में जनता के लिए अलग से भी जानकारी रहेगी। साला दर्पण है, उस स्वास्थ्य दर्पण भी हम अप्रैल के लास्ट तक बना देंगे। पता चल जाएगा कौन डॉक्टर कहाँ पर है, किसकी ड्यूटी कहाँ पर है। एक पूरा एक ऐप तैयार कर रहे हैं, तो अप्रैल के अंत तक उसको विभाग पूरा तैयार कर देगा और इसको सारी चीज़ों को हम अप्रैल के लास्ट तक कंप्लीट कर देंगे। क्या नेशनलाइजेशन की प्रक्रिया जो स्वास्थ्य दर्पण के हिसाब से की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी। जो भी होगा हम निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की जनता से मुख्यमंत्री जी ने जो वायदे किए हैं उन वायदों को हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। नई सीएससी पीएससी जो खोली है, बड़े हॉस्पिटल खोले हैं, उसके लिए भी हमको एक्स्ट्रा भर्ती करनी पड़ेगी, तो निश्चित रूप से उनको भी हम भर्ती करेंगे। नर्सिंग कॉलेज वगैरह के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 1000 पद नए दिए हैं, उसको भी निश्चित रूप से जल्दी भर्ती करके विधिवत रूप से जो मुख्यमंत्री की फ्लेक्सिबल स्कीम है, जनहित की जो योजनाएँ हैं, उनको हम टॉप